वंशी विभूषित करात नव नीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैंने संभवतः पहले बताया था, ये दो मैंने मंत्र पढ़े हैं। एक मंत्र तो प्रसिद्ध है, वसुदेव सुतम देवम, तो वो जो मंत्र है वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो दूसरा, इसके पहले जो मंत्र पढ़ा मैंने, वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोषात, यानी जिसके हाथों में वंशी है, वंशु विभूषित करात नव नीरद आभात बादलों के समान जिनका अंग है, और पीताम्बर धारी हैं, पीताम्बराद अरुण बिंब फल उधरा, उनके ओट ओट जो है अरुण बिंब फल की तरह हैं, और पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, उनका सुंदर मुख जो है पूर्ण इंदु सूर्य के अपने कमल के समान है, और पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्र, नेत्र भी जो है वो अरविंद के समान है, पीताम्बरात पीताम्बर धारी है, ऐसे कृष्ण से परम तत्व अहम न जाने, उससे अधिक तत्व को हम, कृष्णात परम तत्व अहम न जाने, उससे कृष्ण से अधिक कोई तत्व जो कोई होगा वैसा मैं नहीं जानता। ये मधुसूदन सरस्वती का श्लोक है। मधुसूदन सरस्वती परम अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित, यानी अद्वैत वेदांत के जो कुछ आचार्य हैं, उनमें शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं, उसके पहले हैं गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं, उसके बाद शंकराचार्य, उसके बाद में फिर कई और भी शंकराचार्य की परंपरा में, शंकराचार्य के चार जो शिष्य थे वे थे, हमारी परंपरा में शंकराचार्य के बाद सुरेश्वराचार्य, उसके बाद में मधुसूदन सरस्वती। तो मधुसूदन सरस्वती की पुस्तकें भी जो अद्वैत वेदांत पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में है विद्यारण्य मुनि, जिनका पंचदशी प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये कुछ अद्वैत वेदांत के आचार्य। अद्वैत वेदांत तो कहता है जगत मिथ्या है, रूप रूप कुछ नहीं है। जैसे श्री राम कृष्ण के गुरु तोतापुरी जी, उन्होंने कहा कि अद्वैत की तू पढ़ाई करेगा और अद्वैत शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं माँ से पूछ के आता हूँ। और माँ से पूछना है ना, मंदिर में चले गए जगदम्बा को प्रणाम करके उनसे की आज्ञा लेने के लिए, तो तोतापुरी जी ने सोचा कि अरे इसको अज्ञान है, ये अभी जगदम्बा को मानता है, देवी वेवी मांगता है, ये तो अज्ञान है, जब वेदांत पढ़ेगा तो सब गायब हो जाएगा। तो ये अद्वैत वेदांत के लोगों की ये मान्यता है कि ये भगवान के रूप इत्यादि ये सब मिथ्या है, सब रूप नाम रूप तो मिथ्या ही है, तो भगवान का रूप नहीं, भगवान तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है और मैं और ब्रह्म एक है, ये है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। ये कृष्ण कहां से आ गए, ये माँ काली कहां से आ गई, उसके बाद में फिर खैर सारी घटना देखते हैं, उन्होंने बाद में माँ काली को स्वीकार किया। तो मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत थे, लेकिन फिर भी जब द्वैत पक्ष को काटने के लिए उन्होंने द्वैत पक्ष का अध्ययन करना प्रारंभ किया, तब वे श्री कृष्ण से इतने मोहित हो गए कि वे कहते हैं इस श्लोक में कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्ण से परे कोई तत्व है ऐसा हम नहीं जानते। सच पूछा जाए तो वेदांत भक्ति का विरोधी नहीं है,
श्री रामकृष्ण ने भी यही बात महत्वपूर्ण बात कही है कि वेदांत शक्ति का विरोधी नहीं है, भक्ति का भी विरोधी नहीं है। तो इस दृष्टि से ये कहते हैं कि हम अद्वैत में प्रतिष्ठित होते हुए भी हम श्री कृष्ण से मुक्त। तो जो हो, दूसरा श्लोक जो है, तो पहले श्लोक में जो श्री कृष्ण का वर्णन है वो परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया, वृंदावन में नित्य निवास करते हैं, और लोग मानते हैं कि वृंदावन जो है वो वैकुंठ, यानी वृंदावन जो है वो परम धाम। और वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परणा परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये श्री कृष्ण है जगत गुरु, और वो श्री कृष्ण है परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर। भक्ति वाले, भक्ति शास्त्र वाले तो मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नित्य निवास करते हैं, और जितने बाकी अवतार हैं वो श्री कृष्ण के अवतार हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो उन्होंने ही विभिन्न अवतारों का रूप दिया। तो खैर, हमने दोनों को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण को। अब हम पंचम अध्याय प्रारंभ करेंगे। इसका अगर आप उसके अंत में देखें तो वहां है कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय के अंत में देखिए, योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग, उसका टाइटल है कर्म संन्यास योग। तो गीता में कर्मयोग के संबंध में बात द्वितीय अध्याय से भगवान चालू कर देते हैं। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय, ये साढ़े तीन अध्याय पूरे कर्मयोग से संबंधित है, याद रखिए। अब थोड़ा सा उसको रिवाइज करना आवश्यक है, और याद रखिए ये हम लोग, अधिकांश हम लोग कर्म में रहेंगे, और हम लोगों के लिए ये कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम कर्म से जा निकल नहीं सकते, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि तुम कर्म से छूट के भाग नहीं सकोगे, हम भी कर्म से नहीं भाग सकते। अरे आप उठते बैठते सब समय हम कर्म कर ही रहे हैं, सोचना भी एक प्रकार का कर्म है, वो कैसे करना, ये भगवान गीता में बताते हैं। गीता में तो कुछ लोग कहते हैं कि गीता का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग ही है। तो इसलिए अगर आप द्वितीय अध्याय को देखें तो सबसे पहले उन्होंने, भगवान ने कहा है, एषा ते अभीता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम शृणु, कहा है अध्याय के 39वें श्लोक में। देखिए, मैंने अभी ज्ञान योग के बारे में तुझे कहा, सांख्य योग के बारे में बताया, अब तुझे मैं कर्म योग की बात कहता हूं। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम समस्त कर्म बंधन को त्याग करोगे। तो वहां पर प्रारंभ किया था कर्म योग की बात, और उसके बाद में 47वें प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं, उसका सार कहते हैं, क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्थे, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कर्म के फल को अपने कर्म का हेतु मत बना और अकर्म में मत बना। ये मूल बात है, कर्म फल, फलाकांक्षा त्याग कर कर्म करना। अब देखिए, ये हम लोग कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमको जीवन में ये बात आ जाने चाहिए कि भाई कर्म में, हमारे जीवन में क्या अभी भी हम कर्म करते हैं उसके फलाकांक्षा करते हैं क्या। मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा, एक माताजी हैं, श्री राम कृष्ण के शिष्य वो हैं, डिसाइपल हम लोगों के परंपरा में हैं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, आदिवासियों के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में एक सोसाइटी बना रखी है, विवेकानंद ट्रस्ट वगैरह का, बहुत अच्छा काम कर, लेकिन जीवन में अशांत। क्यों? प्रशंसा चाहिए, इतना अच्छा काम कर, तो देखिए मैं इतना काम करती हूं, ये क्या इतना अच्छा, लेकिन लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते। उन्होंने किसी, उनकी एक
डिस्टेंट रिलेशन थी, एक माताजी थी, वो गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, उनकी सारी सेवा की। तो सेवा करके जब वे जाने लगी तो वो कुछ बोली नहीं, थैंक्स भी नहीं दिया, तो कि देखिए मैंने इतनी सेवा की, उसको एक धन्यवाद तक नहीं दिया मैंने, ये क्या हुआ? ये छोटे छोटे इतना कर्म का अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो फलाकांक्षा। अगर मैं आपको ये सब लेक्चर दूं, ये करूं, और उसके बाद मैं अपेक्षा करूं कि थोड़ी प्रशंसा तो होनी चाहिए, और क्या अपेक्षा करते हैं? यही तो, ये छोटी छोटी चीज। संसार में लोग तो पैसे की अपेक्षा करते हैं, नाम यश की अपेक्षा करते हैं, जो भी कर्म करते हैं तो कोई थैंक्स कम से कम देना चाहिए, वो भी नहीं संसार में मिलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान फल की बात करते हैं तो इसके पीछे भाव यह अवश्य है कि यह फलाकांक्षा की इच्छा हमारे मन में गहरी बैठी हुई। हम पुत्र को बड़ा करते हैं तो उसके बाद में सोचते हैं कि पुत्र जो है वो हमको, फिर हम बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, ये तो करते हैं, और जब नहीं देता है तो फिर कुछ, तो ये भी फलाकांक्षा की काम। तो संक्षेप गहराई में अगर हम चाहेंगे तो ये कर्म के साथ फलाकांक्षा की इच्छा बनी रहती है, और दूसरी बात रहती है कर्तापन का भाव, वो भी हम देखेंगे उसके बाद में। दूसरी बात उसके बाद वाले श्लोक में मैं भगवान कहते हैं समत्वम योग उचित, कर्म योग के साथ में दूसरी बात है समत्व, एक तो फलाकांक्षा की त्याग और दूसरा समत्व की इच्छा भाव, यानी सुख दुख में, सिद्धि असिद्धि में समत्व कर्म। तो भगवान यहां पर इस कर्म योग का प्रारंभ करते हैं, फलाकांक्षा त्याग और समत्व में रहना, ये कहते हैं योग बुद्धि। उसके बाद में स्थितप्रज्ञ की बात, और उस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं तृतीय अध्याय के प्रारंभ में कि आप तो कर्म से बुद्धि को महत्व देते हैं। भगवान ने बुद्धि की बात कही थी, और मैंने पिछली बार उसको कहा था कि बुद्धि का अर्थ होता है एटीट्यूड। तो आत्मा कुछ कर्म नहीं करता, यह एटीट्यूड अगर आप रखेंगे, उसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, वो निर्लिप्त है, ये एटीट्यूड रखेंगे तो ये हो गया सांख्य बुद्धि। और फलाकांक्षा त्याग करके समत्व का बुद्धि रखा तो ये हुआ योग बुद्धि। बुद्धि है ना एटीट्यूड, याद रखिए कर्म जो है कर्मयोग बिना एटीट्यूड के नहीं होगा, दृष्टिकोण के नहीं होगा, फलाकांक्षा की त्याग जो भी हो, मन की एक मनस्थिति के बिना कर्म नहीं हो, कर्मयोग जो हो नहीं हो सकता। ये बहुत अर्जुन को ये बात समझ में नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मन में भागने की इच्छा पोजिशन, मैंने पिछली बार बताया था कि वो कर्म त्याग करके, त्याग करने की इच्छा बहुत प्रबल है उसके मन में, वो संसार के चक्र में नहीं फंसना चाहता, भाग जाऊं, भगवान उसको रोकना चाहते हैं, वो इतना प्री पोजेस्ड है उस विचार से कि इसलिए वो कहता है कि आप मुझे कोई घोर कर्म में क्यों लगाते हो, इतना मरना मारना है इसमें क्यों लगाते हो? और याद रखिए ये कर्म जो है वो घोर ही है। भगवान वहां अर्जुन के लिए घोर है क्योंकि वो तो लड़ रहा है, लेकिन हम सभी को अनुभव है संसार में कर्म कितना घोर, कितनी समस्या है। स्वामी विवेकानंद अपने एक लेटर में, पत्र में लिखते हैं कि वर्क इज ऑलवेज डिफिकल्ट, कर्म जो है वो हमेशा कठिन होता है। आप लोग संसार चलाते हैं, आप लोग ऑफिसर्स हैं, जो भी करते हैं, मैं छोटा सा आश्रम चलाता हूं, मैं जानता हूं कितनी समस्या है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, कैसे करना, सबको खुश रखे काम करना, अपना काम लेना, लोग अपने को आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे, ये सारी समस्या आपको फिर मेरे को फेस करना पड़ता। तो कर्म में तो सारी बातें हैं, स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वर्क इज ऑलवेज डिफिकल्ट। इसलिए अर्जुन कहता है कि घोर कर्म में क्यों लगाते हो, और उसके उत्तर में भगवान पुनः कर्मयोग की बात दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर इसका नाम है कर्मयोग। इसमें क्या कहते हैं संक्षेप में अगर बताते हैं तो भगवान वो कहेंगे उसके कि कर्म जो है वह अवश्य करनीय है। देखिए पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के कि कश्चित क्षमापि जातु तिष्ठति अकर्मकृत न, बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक मिनट भी नहीं रह सकता। अवश्य
बाध्य होकर प्रकृति के गुणों के द्वारा आपके द्वारा कर्म कराए जाएंगे। सत्व तम रज, रजोगुण है वो कर्म कराएगा। आप रह के देखो ना, अकेले रह के देखो, कहीं पे कर्म नहीं करेंगे। कुटिया में जाके देखो तो थोड़ी देर ध्यान किया, उसके बाद में छटपट करने लग जाएंगे, चलो कुटिया साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कपड़े धोएंगे, ये करेंगे, चलो घूमने जाएंगे, चलो वहां दर्शन करने जाते हैं, सब छटपट छटपट। कर्म के बिना रह नहीं सकते। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, और क्या कहते हैं, शरीर यात्रा पीना प्रसिद्धे। अगर तू साधु बन जाएगा तो भिक्षा मांगना पड़ेगा, बैठा रहेगा तो कोई खाने नहीं देने वाला, भिक्षा मांगना पड़ेगा, चार घर में जाना पड़ेगा, तो शरीर यात्रा भी तेरी नहीं चलेगी। और बैठे रहोगे तो फिजिकली भी ठीक नहीं होगा। कहते हैं ना, थोड़ा सा काम करते रहना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, शरीर को एक्सरसाइज देना जरूरी है, हेल्थ की दृष्टि से भी। शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी तेरी। फिर भगवान कहते हैं उसके बाद में, अरे तू कर्म कर, यज्ञ के भाव से कर्म कर। उसके आगे भगवान सब यज्ञ का प्रश्न करते हैं। यज्ञ एक चक्र है, संसार के कर्म है, हम किसी बहुत से लोगों पर निर्भर करते हैं, हमारी जिम्मेदारी ही तो उसको पूर्ण करना, उसको रीपे करना। तो ये हम खाते हैं, हम लोग, हम सन्यासी हैं, हम आप लोग सर्व दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो हमको आई मस्ट पे बैक। मैं कहा कुछ कुछ ज्ञान यज्ञ करूंगा, मैं आप लोगों को कुछ दूंगा, आप लोग हमको कुछ देंगे। ये चक्र जो है ये नहीं चलेगा तो तुम जो है वो पापी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान की। तो यज्ञ को चलते रहने दीजिए। और फिर दूसरी बात कहते हैं भगवान, लोक संग्रह के लिए, संसार के लोगों को एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। तुम तो त्याग दोगे और लोग तुमको देखे हुए त्याग देंगे तो कैसे काम चलेगा। जो लोग त्याग के अधिकारी नहीं है और आपने त्याग दिया तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कर्म करो। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में उन्होंने क्या किया, हम सन्यासी थे, स्वामी विवेकानंद ने सन्यासी आश्रम तो बनाया और जब कर्म चालू लगाया तो प्रोटेस्ट हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाइयों ने भी कहा था कि आप ये सन्यासी बनाया है, कर्म में क्यों लगा रहे हो, ये रिलीफ वर्क करना है और साधुओं को तुम कर्म में लगा रहे हो, ये तो श्री रामकृष्ण ने हमको नहीं कहा, आप क्यों लगा रहे हो। और ये सन्यासियों का आदर्श नहीं है। सन्यासी तो एक स्थान पर बैठेगा, स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा, शास्त्र पढ़ेगा। और अगर आप देखें जो परंपरागत सन्यासी लोगों का जीवन, तो उसमें है कि सुबह उठ के क्या करना है, जो वेद पाठ करना है, उसके बाद गीता पाठ करना है, उसके बाद ये पाठ करना है, उसके बाद ध्यान करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे। स्वाध्याय, ध्यान, जप, इसमें ही सारा जीवन व्यतीत कर, और बीच में भिक्षा मांगने चले गए बस, या प्रवचन करना, चतुर्मास में एक स्थान पर रहकर प्रवचन करना। तो ये पुरानी परंपरागत है। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? आपने किया तो आपका देखा देखी दूसरे लोग भी करना चाहते, और फिर प्रॉब्लम। तो स्वामी विवेकानंद के सामने लोगों ने ये कहा कि ये तो पुरानी परंपरागत बात यह है, श्री रामकृष्ण ने भी कर्म को जोर नहीं दिया, आप क्यों कर्म कुछ करवाते। तब स्वामी विवेकानंद उत्तेजित हो गए थे, क्या तुमने श्री रामकृष्ण को जो समझाया उतने ही श्री रामकृष्ण है, श्री रामकृष्ण इससे भी अधिक बहुत कुछ है, इत्यादि कहा। और बाद में स्वामी विवेकानंद ने अन्यत्र भी कहा है कि मैं इसलिए सन्यासियों को कर्म में लगा रहा हूं कि इनको देखकर दूसरे लोग कर्म में लगेंगे। सारा भारत जो है वो तमोगुण में डूबा हुआ है, आलस्य में डूबा हुआ है। जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करेंगे तो लोग देखकर वो कर्म करेंगे। इसलिए भी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के एक्टिविटीज किया, और उसको देखकर बात से दूसरे लोग भी, आजकल तो दूसरे सन्यासी संप्रदाय भी थोड़ा बहुत सेवा कार्य इत्यादि करने लगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं किस भाव से करो, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। देखिए तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक देखिए, ये तमोगुण, ये जो गुण है सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, हमारी इंद्रियां सत्व, रज और तमोगुण से बनी हुई हैं, और जो बाहर के विषय हैं वो भी सत्व, रज और तमोगुण से बने हुए हैं।
तो ये इंद्रियां उस इंद्रियों में वर्तन करती हैं, इंद्रियां विषयों में वर्तन करती हैं। इस भाव से करो, तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। फिर कहते हैं कि सभी कार्य प्रभु को अर्पित करके कर्म करो। तीसरे श्लोक में कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युग्धस्व। कर्म कैसे करना? ममता रहित होकर, मेरा ये कर्म है, मैं कर्म कर रहा हूँ, ये संसार मेरा है, ये गृहस्थी मेरा है, इसको छोड़कर। और निराशी, किसी से आशा मत करो, अपेक्षा मत करो, फलाकांक्षा मत करो। और तीसरा अध्यात्म चेतसा, यानी परमात्मा में मन को लगाकर। अध्यात्म चेता, चेतस यानी मन, मन को आत्मा या परमात्मा में लगाकर तुम कर्म करो, तब उसको कोई समस्या तुमको नहीं होने वाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई। ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अर्जुन, तुम सब काम करते रहो। उसके बाद में चौथे अध्याय पे आइए। चौथे अध्याय में भगवान पहले तो अपना दिव्य रूप का, अवतार का प्रयोजन क्या है इत्यादि करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि मैं अवतार वगैरह लेता हूं लेकिन मुझे ये कर्म लिप्त नहीं करते। नमे कर्माणि लिम्पन्ति, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक देखिए। नमे कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म में मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति यो माम अभिजानाति कर्म फिर न सबध्यते। भगवान स्वामी विवेकानंद कहते हैं टेक ऑलवेज द पोजिशन ऑफ ए गिवर, गिव हेल्प, गिव मनी, गिव व्हाट लिटिल यू हैव बट कीप आउट बार्टर। ऐसा नहीं मैंने दिया तो आप मुझे दो, ये नहीं। जिस प्रकार से भगवान खुल कर देते हैं, भगवान गिव्स आउट ऑफ हर बाउंड्री, भगवान तो दे रहे हैं, वो कोई सोचते हैं क्या, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कोई मुझे देगा, वो फुल पूर्ण है, उनको देना ही है, उनको किसी चीज की कमी नहीं भगवान को। जिस प्रकार भगवान देते हैं उस प्रकार तो देते चले जाओ। हम लोग इतने संकीर्ण हैं, अपने आप को क्षुद्र समझते हैं कि देखने में हिचकिचाते हैं। भगवान का दूसरा लक्षण है भगवान को कर्म का लेप नहीं होता। वो कर्म करते हैं लेकिन कर्म से बंधते नहीं हैं, वो कर्म करना ही पड़ेगा ऐसी बात भी नहीं है, और कर्म फल की स्पृहा नहीं है। हम में दोनों समस्याएं हैं। इसी यो जानाति, जो इस प्रकार जानकर कर्म करता है वह भी से बंधते नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षी, पूर्व के मुमुक्षी लोगों ने भी इसी प्रकार से कर्म किया है, इसीलिए तुम भी करो इसी प्रकार से। ऐसा जानकर के भगवान कैसा कर्म करता है यह जानकर तुम कर्म। इस पर व्याख्या करते हुए हमने पिछली बार देखा भी था कि भगवान जानकर अर्थ क्या, यह जानना कि भगवान मेरे भीतर बैठे हुए हैं और मुझसे कर्म करा रहे हैं। इस तरह अगर भी करोगे तो तुम लिप्त नहीं होगे। और उसके बाद में अगले 19वें श्लोक में भगवान कर्मयोग का और इम्पोर्टेंट महत्व देते हैं। समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम यानी इच्छा वासना की पूर्ति के लिए जिसके कर्म नहीं होते, काम की पूर्ति के लिए संकल्प करके कर्म करता है जो वर्जित है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान के द्वारा जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। फिर आगे कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगो, कर्म के फल की आकांक्षा, कर्म फलासंगह नित्य तृप्त, नित्य तृप्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, निराश है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है तो वह लिप्त नहीं होता। फिर आगे बहुत सारे वैल्यूज कहे थे, त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी यत चित्तात्मा यदिच्छा लाभ संतुष्टो
सिद्धौ समा सिद्धाव सिद्धौ तो द्वंद्वातीत सिद्ध सिद्धि असिद्धि में समवर्ती व्यक्ति है वह बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि उसके बाद में भगवान ने ज्ञान की बात कही। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर यानी ब्रह्म ही सब कुछ है। ये ज्ञान जो है भगवान आगे कहते हैं यज्ञ कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं और उसमें ज्ञान यज्ञ का वर्णन करते हैं। यह जो बात कही ब्रह्मा 24वें श्लोक में ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्म है जिससे आप डालते हैं जिसको डालते हैं अग्नि में वह भी ब्रह्म है जो अग्नि है वह भी ब्रह्म है जहाँ पे जाएगा वह भी ब्रह्म है और जो कर्म है वह भी ब्रह्म है। ये सब क्या कहा यह ब्रह्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ एक तो है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ ने सामान है अग्नि है लकड़ी है द्रव्य यानी ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं के द्वारा जो यज्ञ होता है वो हुआ द्रव्य यज्ञ। लेकिन जब विचार करके हम देखते हैं कि ये जितनी चीजें हैं ये सब ब्रह्म ही हैं तो ये विचार हो गया ज्ञान यज्ञ। भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है और ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ इत्यादि ये ज्ञान पे कैसे प्राप्त होगा और ज्ञान का अर्थ क्या है बार बार कहते हैं न ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान कि जो कुछ चीजें हैं वह सब ब्रह्म ही है जो भी कर्म किए जा रहे हैं वह ब्रह्म है जिसके द्वारा किए जा रहे हैं वह ब्रह्म है जो लक्ष्य है वह ब्रह्म है यह हुआ ज्ञान। और देखिए 35वें श्लोक में चौथे अध्याय के जिस ज्ञान को जाकर जानकर तुम पुनः मोह में नहीं पड़ोगे जिस ज्ञान के द्वारा तुम भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा। ज्ञान का अर्थ क्या समस्त प्राणियों को अपने भीतर देखना और समस्त प्राणियों को परमात्मा में देखना उनसे भिन्न नहीं देखना इसको कहते हैं ज्ञान। तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं इस तस्मात अज्ञान संभूतम वृष्टम ज्ञानासिना ज्ञान की तलवार के द्वारा इस संशय को दूर करके तुम योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। अब फिर प्रश्न अर्जुन के मन में हो जाता है। यहाँ से अब प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयये तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने क्या कहा हे कृष्ण क्या करते हो आप कर्मणां संन्यासं शंससि कर्म के संन्यास की आप प्रशंसा करते हो पुनः उसके बाद योग की भी प्रशंसा करते हो कर्म के संन्यास की प्रशंसा करते हो और योग की प्रशंसा करते हो। कहाँ किया वो कहा था ना योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय योग के द्वारा संन्यस्त कर्माणम कर्मों का संन्यास शब्द आ गया संन्यास त्यक्त्वा कर्म फलासंगम त्याग की बात बार बार करते हो आप दो तीन जगह पे हमने देखा पिछले श्लोक उसमें ही योग संन्यस्त कर्माणम है ना उसके बाद में ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि शब्द कर्मों को भस्म कर देती है कर्मों का भस्म हो जाते हैं कर्म का त्याग हो जाता है ऐसा भगवान ने दो तीन बार कहा। तो अर्जुन ने कहा कि आप कर्म के त्याग की बात करते हो और फिर योग की बात भी कहते हो कर्मयोग की बात कहते हो इसलिए यत् श्रेयः एतयोर एकम इसमें से दोनों में से जो एक श्रेयस्कर है कल्याणकर है
वह मुझे सुनिश्चित रूप से बताइए। सुनिश्चित रूप से मुझे इन दोनों में से जो एक श्रेयस्कर है वो बताइए। अब देखिए, अर्जुन ने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में भी प्रश्न किया था, जायसी चेत कर्म चिन्हश्चे मता बुद्धिर जनादन। आपके मत में अगर बुद्धि जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, तब किम घोरे कर्म में नहीं योजती, कर्म घोर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रे न वाक्य न बुद्धि मोहयसी, आप मानो मिले हुए बातों से मुझे मोहित कर रहे हैं। तदेकम वद निश्चित्य, ये एक चीज निश्चित बन जाए जिससे मुझे श्रेय पाए। वहां भी श्रेयस्कर श्रेय कल्याण प्राप्त करता है, अर्जुन भोग नहीं चाहता, विजय भी नहीं चाहता, वो कहता है मेरा श्रेयस्थ कल्याण हो और आप कल्याण करने वाले मेरे अधिक और कोई नहीं, श्रेष्ठतर मुक्ति हो। कभी कभी हम लोगों को, कभी हमारे जीवन में अगर संशय आवे, हमारे मन में याद रखिए कई प्रकार के विचार आते हैं, हमारी इच्छाएं वासनाएं होती हैं, द्वंद्व होते हैं, खींचतान होती है, ऐसे में इसी गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे स्पष्ट पूछना चाहिए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है ये बताइए। मेरे मन में तो बहुत सारी बातें उठ रही हैं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आते हैं कहते हैं मैं अभी एक युवक मेरे पास आए, एमडी कर रहे हैं और पुराने रामकृष्ण मिशन के एक नारायण नरेंद्रपुर में स्टूडेंट रहे थे, तो वो कुछ संन्यास संस्कार है, विवाह विवाह नहीं करना चाहते, विवाह के प्रति आकर्षण नहीं है। पिताजी कहते हैं विवाह करना चाहते, मैं क्या करूं। पिताजी बार बार विवाह की बात कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो मिशन ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में है कि फिर मैं डॉक्टरी छोड़ना पड़ेगी मुझे, तो मैं डॉक्टरी छोड़ू, मिशन ज्वाइन करूं, विवाह करूं, ये तीन ऑल्टरनेटिव, मैं क्या करूं। कभी ऐसे जीवन में आ जावे तो किसी गुरु के पास, श्रेष्ठ के पास जाके प्रश्न करना चाहिए। और अर्जुन का परम सौभाग्य है कि भगवान एक गुरु के रूप में उसके पास में, और इसलिए वो स्पष्ट रूप से पूछ लेता है कि मैं क्या करूं बताइए। अब यहां पर इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा। कर्म का संन्यास अर्जुन पूछते हैं कि कर्म का संन्यास, पहले भी वहां पूछा था, वहां पर तो आग्रह उसका बहुत बुद्धि के तरह था ना, वे अमिष्टे न वह, ये क्या करूं, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि वो कन्फ्यूज हो गया। वहां पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ की बात कही थी, जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बात कही थी। तो वहां किया था कि एक बार एक बताइए, भगवान ने कहा था कि कर्म करो तुम, कर्मयोग करो। यहां पर अर्जुन भगवान की उपेक्षा नहीं करता, वो कहता है कि भगवान बता तो रहे हैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। देखिए ट्रांसलेशन में बड़ी अच्छी बात कही है, यत एकम एतयोर यत एकम में, मेरे लिए दोनों मार्ग में मानता हूं। आपने दोनों की प्रशंसा की है, मैं मान भी लेता हूं कि दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, कर्म के संन्यास का और कर्म योग का, लेकिन मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, ये इम्पोर्टेंट। देखिए उस व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, शादी का भी तो एक मार्ग है, कोई बुरा तो नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि भाई तुम चाहो तो शादी कर लो, शादी का मार्ग है, और कई बहुत सारे ऋषि हो गए, सन्यासी साधु हुए हैं और तो बहुत हो गए। श्री रामकृष्ण ने विवाह किया था, श्री रामकृष्ण के बहुत सारे शिष्य थे जो विवाहित थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, मास्टर महाशय, फिर बलराम बोस, नाग महाशय, बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो एक मार्ग ये है, दूसरा आप पढ़ाई लिखाई करिए, एमडी कीजिए, उसके बाद पीएचडी कीजिए, फॉरेन जाइए करिए, उसमें कोई बुराई क्या है, बुराई नहीं। और तीसरा है आप साधु बनना चाहो, साधु बन जाइए, मिशन में बनना चाहिए, बाहर बन जाइए, कभी बन जाए वो, आपके तीनों मार्ग कोई बुरा नहीं। मेरे लिए क्या कल्याणकर है सुनिश्चित ये मुझे बताइए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को देखने से प्रत्येक का मार्ग अलग होता है, याद प्रत्येक का जीवन में मार्ग अलग होता है। कभी कभी माता पिता लोग बड़ी गलती करते हैं जब
पुत्र के लिए कन्या के लिए जोर जबरदस्ती उसको विवाह ही करना पड़ेगा। वो बेचारा वो मेडिकल में नहीं जाना चाहता, वो तो आर्ट्स लेना चाहता है, उसको जबरदस्ती मेडिकल में डालना चाहते हैं। एक लड़का मेरे पास आया कि साहब मैं तो ये फलाना करना चाहता हूँ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे पिताजी इसको उधर बताना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं MBA करो तुम। तो मुझे MBA में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है, कॉमर्स करो। तो माता पिता लोग भी अपना बच्चे के लिए क्या श्रेष्ठ है, बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, बच्चे के लिए कौन सा उसका उसके अनुरूप बैठेगा वो भी नहीं देखते। तो इसलिए ये मैं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद प्रवचन दिया करते थे, उनके शिष्य थे स्वामी शुद्धानंद जी, और स्वामी विवेकानंद के जब कर्मयोग पढ़े तो लगता है कि कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है, राजयोग पढ़े तो लगता है राजयोग सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति योग पढ़े तो लगता है भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तब उन्होंने उनसे पूछा कि स्वामी जी मैं ये तो आप पढ़ते हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करूं। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने कहा गुरु सेवा, गुरु सेवा ही कर रहे थे, गुरु सेवा ये तुम्हारे लिए मार्ग श्रेष्ठ, हर एक के लिए अपना अपना मार्ग है। और भगवान से अर्जुन ने यही बात पूछी कि यत श्रेय, इन दोनों में से एक मेरे लिए जो श्रेय है उसको आप क्लियरली स्पष्ट रूप से मुझे बताइए। अच्छा, अब इस श्लोक पर थोड़ा सा और विचार करें। याद रखिए, अब जब हम यहां पर आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे यहां तो सन्यासी की बात है, और भगवान चौथे श्लोक में देखिए सांख्य शब्द का फिर उपयोग कर रहे हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, कहीं सांख्य शब्द का अर्थ आता है, कहीं बुद्धि शब्द का अर्थ योग आया है, कहीं ज्ञान का उपयोग किया गया है, और इसलिए अर्जुन को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हमारे मन में भी कंफ्यूजन। मैंने बार बार कहा है कि ये दृष्टिकोण का प्रश्न है, एक ज्ञान योग का दृष्टिकोण है, कर्म योग का दृष्टिकोण एटीट्यूड। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये संन्यास के संबंध में थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। संन्यास यानी क्या, शब्द का अर्थ है सम्यक न्यास, सम्यक यानी अच्छी तरह, न्यास यानी त्याग, अच्छी तरह त्याग। अब किस चीज का त्याग, अच्छी तरह किस चीज का त्याग, जो परंपरागत संन्यास होता है, जो हम गेरुआ धारण करते हैं, हम लोग जो करते हैं, तो उसके पहले प्रक्रिया होती है जिसको विरजा हम होम बोलते हैं, हवन होता है, विरजा होम कहा जाता है। और विरजा होम में क्या किया जाता है, कई चीजें होती हैं, उसमें संक्षेप में आपको बता दूं, एक होता है संसार के जितने प्राणी हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, उन सबको आहुति दी जाती है, स्वाहा स्वाहा, मनुष्योभ्य स्वाहा, पितरोभ्यो स्वाहा, देवताभ्यो स्वाहा, यानी क्या आहुति देना, यानी उनको वी आर ऑफरिंग समथिंग, उनके प्रति हम कुछ चीजें दे रहे हैं। उसके पीछे भाव यह है कि हम आपसे जो ऋण है हमारा उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमारे यहां पर हिंदू धर्म में ये ऋण की बात है, परमात्मा का ऋण हमारे ऊपर है, देवताओं का ऋण है, हमारे माता पिता का, पितरों का, सबका ऋण है, संसार के समस्त प्राणियों का, मनुष्यों का ऋण है, और छोटे मोटे प्राणी है सबका ऋण है हमारे ऊपर, ये पशु पक्षी का भी ऋण है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखे हैं जिससे हम जीवित हैं, ये प्रकृति के जो देवता हैं इंद्र वरुण इत्यादि उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। इस ऋण को चुकाना ये प्रत्येक गृहस्थ का बहुत बड़ा कर्तव्य है, और इसलिए आप तर्पण करते हैं, पितृपक्ष आता है तब तर्पण करते हैं, अतिथि सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और प्राणियों को देते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, देवताओं को देते हैं, पूजा करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमको मिल रहा है उसको हम रीपे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण, नहीं तो हम बिल्कुल स्वार्थी हो जाएंगे, अघायु हो इंद्रिया रामो हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ का उद्देश्य यही है कि पे करना।
लेकिन जब संन्यास लिया जाता है तो इसको आहुति के द्वारा सिंबॉलिक कहते हैं कि भाई मैंने सबके प्रति मेरा जो ऋण था वो मैं चुका दिया, अब मेरे ऊपर किसी का ऋण नहीं। संन्यास के पहले श्राद्ध भी होता है, जो सन्यासी होने वाला है वो श्राद्ध कर देता है, अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है और खुद का श्राद्ध कर देता है। उसके तो बाबी बच्चे तो होने वाले नहीं है जो उसका श्राद्ध करेंगे, बाद में वो श्राद्ध कर दे, तो सब ऋण उऋण हो गए। तो पहला त्याग ये होता है जो हमारे वैदिक कर्म है, शास्त्र से निहित कर्म है वो। इसलिए सन्यासी को वैदिक पूजा का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में अगर आप कभी दुर्गा पूजा, यहाँ तो नहीं होती दुर्गा पूजा, अगर इत्यादि में जाएंगे बेलूर मठ में देखें या बनारस में देखें या कंखल में जहां दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा जो है वह ब्रह्मचारी करता है, सन्यासी नहीं करता। जिसने विरजाम कर लिया वो नहीं करता, सन्यासी नहीं करता है, ब्रह्मचारी करता है। सन्यासी बैठकर उसको बताता है ये करो वो करो, तंत्र धारक जो अटेंडेंट उसका गाइड होता है वो, लेकिन वो करता नहीं। पीछे भाव यही है कि वो वैदिक कर्म का अधिकार नहीं है। तो पहला सन्यास में है कर्म का अधिकार त्याग, कर्तव्यता कर्म की और अधिकार का त्याग। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है और वो और भी इससे महत्वपूर्ण है, समस्त ऐषणाओं का त्याग। ऐषणा यानी इच्छाएं कामनाओं का त्याग, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, स्पाउस की इच्छा, संसार में नाम यश की इच्छा, स्वर्ग जाने की इच्छा, धन की इच्छा, सभी प्रकार की चित्तेष्णा, अपने शरीर को पोषण करने की इच्छा, खा पीकर सारी इच्छाओं का त्याग। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।